स्टीम वाटर एनालिसिस सिस्टम स्वास हिंदी लेक्चर। स्टीम पावर प्लांट सिस्टम से संबंधित एक लेक्चर सीरीज तैयार की गई है। यह लेक्चर उसी का हिस्सा है। यह लेक्चर प्लांट ऑपरेटिंग पर्सन्स स्टाफ के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। स्टीम वाटर एनालिसिस सिस्टम स्वास बॉयलर फीड वाटर और कंडेंसेट सिस्टम में केमिकल डोज किए जाते हैं, इसलिए कि ताकि इनसे संबंधित जो पाइपलाइंस हैं उनकी सतह पे स्केलिंग ना हो जाए। स्केलिंग यानी जो एक सफ़ेदी सी जम जाती है पाइपलाइन के अंदर, वो ना होने पाए और दूसरी तरफ पाइपलाइन वगैरह का करोजन यानी गलाव ना हो जाए। इसलिए कुछ केमिकल्स हाई प्रेशर पे डोज किए जाते हैं स्टीम और वाटर साइकिल से संबंधित इक्विपमेंट में। अब कितना केमिकल डोज किया जाना है उसका पता लगाने के लिए स्टीम यानी भाप और वाटर से संबंधित जगहों पर एनालाइजर लगाए जाते हैं ताकि पता चले कि उनमें कितना कितना केमिकल डोज किया जाना है, कितना केमिकल डोज करने की ज़रूरत है। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह लेक्चर सेशन आपके लिए उपयोगी होगा। कृपया लाइक बटन को प्रेस करें। कृपया इस लेक्चर सीरीज को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज also. केमिकल एनालाइजर जो हैं वो एक केंद्रीय जगह पर इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि स्टीम और वाटर की केमिस्ट्री जो हम लोग चेक कर रहे हैं उस पर कंट्रोल किया जा सके और इक्विपमेंट का आसानी से मेंटेनेंस हो सके। उस केंद्रित और एकत्रित जगह पे स्टेनलेस स्टील की सैंपल लाइन से सैंपल पहुंचाए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील पाइप द्वारा लाए गए सैंपल्स को पहले सैंपल कूलर में ठंडा किया जाता है, फिर उनका प्रेशर भी कम किया जाता है ताकि जो एनालाइजर हैं उनको
हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से नुकसान ना पहुंचे। और इस तरह से उनको सैंपल्स को कंट्रोल किया जाता है ताकि एक निश्चित बहाव मिल सके, बहुत कम बहाव भी ना मिले सैंपल का और बहुत ज़्यादा बहाव भी ना मिले। और फिर उन सैंपल्स को जो एनालाइजर्स हैं उन तक, संबंधित एनालाइजर तक पहुंचाया जाता है। पावर प्लांट में कई तरह के केमिकल एनालाइजर इस्तेमाल किए जाते हैं। आपके प्योरिटी चेक करने के लिए कितना सिलिका जा रहा है, कितना सोडियम जा रहा है, कितना ऑक्सीजन सैंपल के अंदर प्रवेश कर चुका है, और एसिडिटी चेक करने के लिए, एसिडिटी या अल्कलाइनिटी चेक करने के लिए पीएच मीटर भी लगा होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हमने एक टेबल दिखाई है जिसमें जो आम तौर पे एनालाइजर यूज होते हैं उनको बताया गया है और कौन सी लोकेशन पे उनका इस्तेमाल किया जाता है ये अगली स्लाइड में बताया गया है। एनालाइजर्स और मॉनिटरिंग का इक्विपमेंट की लिस्ट और किस लोकेशन पे उसकी चेकिंग हो रही है उसकी लिस्ट है। तो कंडक्टिविटी सिलिका और सोडियम एनालाइजर ये हम लोग यूज करते हैं सुपर हीटेड स्टीम को एनालाइज करने के लिए। कंडक्टिविटी सिलिका और पीएच मीटर यूज होते हैं बॉयलर ड्रम वाटर या ब्लो डाउन वाटर को चेक करने के लिए। कंडक्टिविटी सिलिका, पीएच, डिजॉल्व ऑक्सीजन और रेजिडुअल हाइड्रोजन को चेक करने के लिए लोकेशन है फीड वाटर इकोनोमाइजर इनलेट पर। पीएच, डिजॉल्व ऑक्सीजन और सोडियम चेक करने के लिए लोकेशन है कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप के डिस्चार्ज पर। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कैटायन कंडक्टिविटी चेक करने के लिए हम जाते हैं कंडेंसेट जो जमा हो रहा है हॉटवेल में उस पर। कंडक्टिविटी और पीएच चेक करते हैं कंडेंसर मेकअप वाटर पर, ताकि जो कंडेंसर में पानी जा रहा है मेकअप की तरह उसमें हम लोग चेक करते हैं कंडक्टिविटी और पीएच। कंडक्टिविटी और डिजॉल्व ऑक्सीजन हम चेक करते हैं स्टेटर कूलिंग वाटर के इनपुट पर, या जो पानी इस्तेमाल हो रहा है स्टेटर कूलिंग वाटर में उसमें हम लोग कंडक्टिविटी और डिजॉल्व ऑक्सीजन चेक करते हैं। अनुरोध, हम उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आपके लिए उपयोगी होगा। कृपया लाइक बटन दबाएं, कृपया इस लेक्चर सीरीज को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो।